हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट वाजिद शेख और आप देख रहे हैं लीगल एडवाइस। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य आप लोगों तक कानून की जानकारी पहुंचाना है ताकि हर भारतीय नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों प्रति जागरूक हो सके। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के लीगल नॉलेज भरे वीडियो हम आपके लाते रहे। आज की वीडियो में हम इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 396 यानी डकैती विथ मर्डर के बारे में डिटेल में जानेंगे। डकैती करते वक्त अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो उसे इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 396 के तहत क्या पनिशमेंट है, इस टॉपिक पर हम डिटेल में जानेंगे। सेक्शन 396 डकैती विथ मर्डर। इफ एनी वन ऑफ फाइव और मोर पर्सन हु आर को जॉइंटली कमिटिंग डकैती कमिट्स मर्डर इन सो कमिटिंग डकैती, एवरी वन ऑफ दोज पर्सन शैल बी पनिश्ड विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। यदि 5 या उससे अधिक व्यक्तियों में से कोई एक जो संयुक्त रूप से डकैती करने में शामिल रहा, यदि इस तरह की डकैती में किसी की हत्या करता है, तब यह कार्य डकैती के अपराध के अंतर्गत ही माना जाएगा। यूं इस अवस्था में उन व्यक्तियों में से प्रत्येक को मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 साल तक के कठोर कारावास की सजा होती है और उन्हें जुर्माना भी देना होगा। यानी डकैती करते वक्त अगर किसी एक ने किसी की हत्या की तो ऐसे वक्त में उन सभी अपराधियों को इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 396 के तहत मृत्यु या आजन्म कारावास या 10 साल तक कठोर कारावास की सजा होती है और उसी तरह से उन्हें जुर्माना भी होगा। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 396 का अपराध यानी डकैती विथ मर्डर का अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है। यानी पुलिस अपराधी को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। इसी तरह से इस अपराध की इन्वेस्टिगेशन पुलिस तुरंत शुरू कर सकती है। डकैती विथ मर्डर का अपराध नॉन बेलेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है। यानी पुलिस के पास अपराधी को जमानत देने का अधिकार नहीं होता। उसी तरह से डकैती विथ मर्डर का अपराध नॉन कंप्यूटर ऑफेंस की श्रेणी में आता है। यानी शिकायतकर्ता और अपराधी के बीच समझौता नहीं हो सकता। डकैती विथ मर्डर का अपराध ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ फैशन है। दोस्तों, इसी तरह के लीगल नॉलेज भरे वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के लीगल नॉलेज भरे वीडियो हम आपके लाते रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।